झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में सोरेन पर पट्टे पर खदान, अपने और परिजनों के नाम रखने का आरोप। हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को रांची बुलाया। मुख्यमंत्री आवास पर कई मंत्री और एडवोकेट जनरल पहुंचे। झारखंड के रांची राज्यपाल पहुंचे, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल सुना सकते हैं फैसला। पेगासस के मुद्दे पर बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। पेगासस को लेकर झूठ बोलने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, 29 मोबाइल से नहीं मिला स्पाईवेयर, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। बिल्किस बानो मामले में दोषियों की राय के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। गुजरात सरकार के फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। 28 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीख पर हो सकता है फैसला। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र सिंह, अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी विधायकों के साथ अहम बैठक, केजरीवाल की बैठक में 53 विधायक पहुंचे। उधमपुर जिला प्रशासन ने मॉनसून खत्म होने तक 1,00,000 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य, घाटी में जंगल और हरियाली बढ़ाने का काम शुरू। उधमपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिट्टी के कटाव और लैंडस्लाइड को रोकने का किया जिम्मा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 14 साइट्स को किया चिन्हित। चुने के प्रतीक ने 13 साल की छोटी उम्र में ही किया अनोखा कारनामा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया रोबोट। लड़की से तैयार किए गए रोबोट का नाम रखा गया है रफी द रोबोट। रोबोट देता है सामान्य ज्ञान, देश और राज्यों से जुड़े सवालों का जवाब। कश्मीर के किसानों को नई तकनीक के साथ साथ जैविक और प्राकृतिक खेती की दी गई जानकारी, श्रीनगर में प्रदर्शनी का आयोजन। पर्यटकों से गुलजार हुई बशौली की वादियां, जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर काम शुरू किया। आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है कठुआ का बशौली, नौका विहार के साथ साथ खेलों का भी हो रहा है आयोजन। आज से राजकोट में जैन समुदाय का पवित्र उत्सव शुरू, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में होती है महावीर स्वामी की भव्य पूजा। 8 दिनों तक चलने वाले पर्युषण उत्सव को लेकर जैन समुदाय में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उज्जैन समुदाय के भक्तों ने महावीर स्वामी का किया श्रृंगार। वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम बना वृद्धों के लिए खुशियों का आंगन, वृद्धाश्रम की हाईटेक सुविधाओं से वृद्धों के चेहरों पर मुस्कान। कश्मीर प्रीमियर क्रिकेट लीग 2022 के 5वें संस्करण का खिताब कुलगाम नाइट्स के नाम रहा, अनंतनाग अचीवर्स को 20 रनों से हरा दिया। शेर कश्मीर स्टेडियम में खेला गया मैच, चिनार कॉप्स हर साल कराता है कश्मीर प्रीमियर लीग का आयोजन। पूरे क्षेत्र के स्कूलों में सहारश पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना त्रिपुरा, नई शिक्षा नीति से छात्रों के लिए शिक्षा बनेगा आनंद का स्रोत। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की बैठक, एनएचएमएल और आईडब्ल्यूएआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ट्रांसजेंडर के लिए 5,00,000 का हेल्थ कवर। पुरी की बनीकुड़ा गांव घटने लगा है बाढ़ का पानी यहां पर, और निराश लोगों की जग गई है उम्मीद, फिर से गांव लौटने की आस। किटावम चंबल नदी ने धारण कर लिया विकराल रूप, 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में। प्रयागराज में बाढ़ के पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, किराए के घरों में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। धौलपुर में चंबल नदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 145.90 मीटर पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। गुजरात के भरूच में जान जोखिम में डालकर बाढ़ देखने वालों का वीडियो वायरल, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रोका। हमीरपुर में बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में कई गांव, एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित गांव में डाला डेरा।
जमकर हुई बारिश से उदयपुर में बाढ़ के हालात, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दो दिनों से उदयपुर में हो रही है बारिश, रोजमर्रा के कामों में लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी, बाढ़ से 80 गांव प्रभावित। आगरा में बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर, सैलाब प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। इटावा के कई गांव में चंबल नदी का खौफ, लगातार चंबल नदी का बढ़ रहा है जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल। उदयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, स्कूल के बच्चों और कर्मचारियों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज ने अधिकारियों के संग की हाई लेवल की मीटिंग, पीड़ितों की मदद के लिए आदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा, विदिशा के लोगों से मुलाकात की, मदद का भरोसा जताया। गुजरात के भरूच में बिन बारिश बाढ़ के हालात, सरदार सरोवर डैम से नर्मदा नदी में 5.5 लाख क्यूसेक छोड़ा गया पानी। कोची पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरिया युवक का, नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। रामनाथपुरम पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 250 किलो शार्क फिन और 1000 किलो समुद्री ककड़ी जब्त, 3 करोड़ आंकी गई कीमत। इंदौर में रंगे हाथों पकड़ी गई परदेशीपुरा थाने की महिला सिपाही, लोकायुक्त ने किया बेनकाब। अमरोहा पुलिस ने डग्गा मार वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में 2 पर केस दर्ज करे, 231 वाहनों के चालक के साथ 30 वाहनों को किया सीज। कालापुर की पुलिस ने डकैतों से लिया लोहा, पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए कुख्यात। संभल में बापा के भव्य शोभा यात्रा की तैयारी, 18 फीट के भगवान गणेश का सोने से किया जा रहा श्रृंगार। हैदराबाद में गणेश उत्सव को लेकर घर घर में बैठाए जा रहे हैं बप्पा, उत्पादन में कमी के चलते गणेश की मूर्तियों में बढ़े हैं दाम। बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को लेकर गृह राज्य मंत्री ने दिए निर्देश। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर उमंग, गणेश की मूर्तियों से पटे पड़े हैं बाजार, पूरे उमंग के साथ गजानन के भक्त। जयपुर के मोती डुंगरी मंदिर में अभी से माहौल हुआ गणपतिमय, गणेश भगवान को चढ़ाए गए विशाल लड्ड। केरल के कोटायाम में पीसी जॉर्ज के आवास पर डिप्टी एसपी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की छापेमारी, मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस को बदनाम करने की साजिश का आरोप। योगी आदित्यनाथ ने 42 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। पेंच टाइगर रिजर्व में फिर नजर आया दुर्लभ ब्लैक लेपर्ड, मोगली के दोस्त बघीरा को देख पर्यटक रोमांच। अलीगढ़ में गंदगी देखकर बिफर गए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एक महिला ने खाली खेली सफाई व्यवस्था की बोल। वकील को 1.5 लाख रुपए का गलत बिजली बिल भेजने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में बिजली विभाग ने 3 अधिकारी को जेल भेजा। कर्नाटक के विजयपुरा में गणेश चतुर्थी के पोस्टर में दिखी सावरकर की तस्वीर, हिंदू महागणपति मंडल ने लगाया पोस्टर। यमुना प्राधिकरण बोर्ड की अहम बैठक, जेवर एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाले उद्योगों पर और कनेक्टिविटी पर चर्चा। राजस्थान के सीकर में बीएसएफ जवान से मारपीट कर सामान ले गए, 7 दिन बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पति से विवाद ने खोली पति की पोल, पत्नी की शिकायत पर पुलिस और सेना इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फर्जी सैनिक को किया गिरफ्तार। अलग अलग जिलों में 30 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाला नक्सली गिरफ्तार, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई गिरफ्तार। बिना छूट वाले इनकम टैक्स विकल्प के लिए टैक्स दरों को घटाने पर सरकार कर रही है विचार, 2 साल बाद भी टैक्स पेयर्स में लोकप्रिय नहीं होने की वजह से टैक्स घटाकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश। 2015-16 की 15 लाख करोड़ के मुकाबले देश में कुल पारिवारिक बचत 2020-21 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हुई, 2030 तक देश में पारिवारिक बचत 4 गुना बढ़ने का अनुमान। देश में बचत बढ़ने के साथ ही सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ा रहे हैं लोग, अगले कुछ समय में मनमर्जी की खरीदारी के 10 गुना बढ़ने का अनुमान।
बीमा एजेंट्स का कमीशन घटाने का फैसला ले सकता है IRDAI। गैर जीवन बीमा पॉलिसी के एजेंट्स के कमीशन के अधिकतम सीमा को 20% करने पर विचार। अगले 5 साल में 30.7 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है भारत, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की रिपोर्ट। छोटी कारों के बाजार को बचाने के लिए हाइब्रिड, सीएनजी और एथेनॉल तकनीक के लिए सरकार से छूट की मांग। कम बजट वाले ग्राहकों के लिए महंगी ई कार खरीदना हुआ मुश्किल। मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च कर दी AMG EQS 53 इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर अभी तक की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा रेंज देने वाली ईवी। चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी BYD अपनी इलेक्ट्रिक SUV को भारत में लॉन्च करने की कर रही है तैयारी। इलेक्ट्रिक बैटरियों के लिए $500 मिलियन की PLI स्कीम ला सकती है सरकार। बाकी PLI स्कीम्स में मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले इसमें R&D पर रहेगा फोकस। ऑनलाइन फर्नीचर ब्रांड वुडन स्ट्रीट ने अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाकर 9 तक पहुंचा दी है। बेंगलुरु में नए स्टोर्स खोलकर विस्तार योजना को पंख लगाए। यूक्रेन के पूर्वी शहर चैपलिन पर रूस ने दागी मिसाइल्स, कम से कम 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया युद्ध अपराध। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से मिली एक और मदद, करीब $3 अरब की नई सैन्य सहायता भेज रहा अमेरिका। मिलिट्री एड में रॉकेट सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल, मोर्टार और गोला बारूद। इजराइल के तेल अवीव में यूक्रेन के समर्थन में बड़ी रैली, यूक्रेनी झंडे के साथ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बताया हत्यारा, यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रैली। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर ने विश्व शक्तियों और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर चेतावनी दी। लेपिड ने कहा समझौते से मध्य पूर्व में फैलेगी अस्थिरता, इजराइल के दुश्मनों को होगा फायदा। दक्षिणी गाजा पट्टी में हथियारबंद समूह हमास का शक्ति प्रदर्शन, शहर के बीच हुई परेड में हथियारों के साथ शामिल हुए सैकड़ों लड़ाके। हवा में गोलियां चलाते हुए नजारा, इसराइल को तबाह करने की खाई कसम। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को कतर ने दी बड़ी राहत, $3 अरब निवेश का किया ऐलान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर दौरे पर, दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने छात्रों को दी बड़ी राहत, जिन छात्रों की सालाना आय $1,25,000 से कम उनके एजुकेशन लोन किए जाएंगे माफ। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन ने छात्रों का लोन माफ करने का किया था वादा। दक्षिण अफ्रीका में आसमान युद्ध महंगाई के खिलाफ भारी आक्रोश, प्रोटेरियम सड़कों पर उतरे 1,000 से ज्यादा लोग। राष्ट्रपति सिरिल की सरकार से खाने पीने की चीजों को लेकर ईंधन के दाम कम करने की मांग। 17 साल के बुल्गेरियाई पायलट ने छोटे विमान से पूरी की दुनिया का चक्कर लगाने का ये रिकॉर्ड। मैक रदरफोर्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, दुनिया का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने रदरफोर्ड। रूस की राजधानी मॉस्को में तापमान 32 डिग्री के पार, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। रात के लिए पार्कों की ओर रुख कर रहे हैं लोग, प्रशासन सड़कों पर ठंडे पानी का कर रहा है इंतजाम। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम बेगा का ट्रेलर रिलीज, ये फिल्म साउथ की विक्रम बेगा की रीमेक। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम अपने पति आदित्य धर और अम्मा के साथ हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पहुंची। कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर साथ नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र जल्द ही सिनेमाघरों में होने वाली है रिलीज। फिल्म के प्रमोशन के दौरान रणबीर कपूर डायरेक्टर राजामौली और एक्टर नागार्जुन के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल में नजर आए। एक्ट्रेस अवनीत कौर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में अवनीत वरुण धवन के साथ रील बनाते नजर आ रहे हैं।
मुंबई एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट हुई शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान भी साथ आए। सेंटाक्रूज के पैलेट स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुई जानवी कपूर, क्यूटनेस ने जीता दिल। सनी लियोनी ने दिखाया ग्लैमरस अवतार, मुंबई में एयरपोर्ट के बाहर स्पॉट। डायरेक्टर मधुर भंडारकर संग बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची तमन्ना भाटिया, अपनी आने वाली फिल्म बबली बाउंसर को लेकर चर्चा में। अभिनेत्री सारा अली खान मुंबई के वर्सोवा चेटी में आई नजर, कलरफुल टॉप और ब्लैक जींस में दिखी।